ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पानीपत नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध करते हुए शहर के अंदर झाड़ू प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और सरकार समान काम समान वेतन की बात करती है, लेकिन उनको इससे वंचित रखा गया है और सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया, जबकि लगभग सभी विभागों में सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि 11 जून को वे करनाल में राज्य स्तरीय रैली करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये सरकार मांगे मंजूर नहीं कर रही। इस विषय पे हमारे जो सीनियर नेता है स्टेट के नेता, उनसे कोई बातचीत नहीं कर रही है। तो हमारे ऊपर स्टेट का आदेश है कि भाई ये सरकार को मनवाने के लिए ये झाड़ू प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कितनी बार हमने ज्ञापन भी दे लिए हैं, गेट मीटिंगें भी कर ली हैं, लेकिन सरकार के कान पर दूर तक नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी मांग हमारी एक मंजूर हुई है, तो फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत और सुप्रीम कोर्ट, उसने भी वो मान लिया है कि भाई समान काम समान वेतन जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये हरियाणा खट्टर सरकार इतनी नकम्मी सरकार है, ये इस चीज़ को भी नहीं मान रही है। उधर से सभी महकमों को हरियाणा के अंदर सातवें वेतन का लाभ दे दिया गया है। हमारे कर्मचारियों को किसी भी हरियाणा की नगर निगम परिषद और पालिका में किसी को भी अभी तक सातवें वेतन का लाभ नहीं दिया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे हरियाणा में आज झाड़ू प्रदर्शन करते हुए 11 तारीख की रैली करने का ऐलान किया है कि जो आज सातवां वेतन आयोग इनमें लागू नहीं किया गया। दूसरा कि जो इनकी मांगे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की है या दूसरा इनका जो काम करने के औजार हैं, सभी मांगों को लेकर ये काफ़ी लंबे समय से सरकार को चेता भी रही हैं, लेकिन सरकार इनकी न तो सातवां वेतन आयोग लागू करी, न ही इनकी मांगों को मान ली। इसलिए आज पूरे हरियाणा में झाड़ू प्रदर्शन किया। दूसरा, हमारा जो एशियन पेंट के कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सर्व कर्मचारी संघ ने भी इसी में शामिल होकर उसका भी विरोध दर्ज करवाया है।